हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और उसमें एक हल्की लाइन आ रही है? तो अब आपको ये टेंशन हो रही होगी कि हल्की लाइन का क्या मीनिंग है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें ये हल्की लाइन आती है तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या ये प्रेगनेंसी है, क्या ये प्रेगनेंसी नहीं है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जब भी आप टेस्ट करते हैं महीने के मिस होने के दूसरे या तीसरे दिन पर, तो आपको जब यूरिन के दो ड्रॉप डालकर आप ये टेस्ट करते हैं तो कई बार पूरी गहरी लाइन नहीं आकर हल्की लाइन आती है। जब पूरी दो गहरी लाइनें आती हैं दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी है, वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन हल्की लाइन आने का मतलब हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी है बट वो यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर की तरफ कहीं हो सकती है, जिसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कई बार बहुत ही जल्दी अगर अपने टेस्ट कर लिया हो तो प्रेगनेंसी पूरी तरीके से बनी नहीं हो तो भी हल्की लाइन आ जाती है, और या फिर कभी कभार टेस्ट किट में कोई ख़राबी होने के कारण भी पूरी गहरी लाइन ना आकर हल्की लाइन आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन दोबारा टेस्ट करना चाहिए, जिसमें कि अगर आप मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल अगर आप लेती हैं और उसके साथ टेस्ट करती हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर आपका दोबारा दूसरे किट के साथ भी सेम रिज़ल्ट आता है, यानी कि उसमें भी गहरी लाइन ना आकर हल्की लाइन आती है, तो ये की चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी तो है लेकिन वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं बन रही है, जिसकी वजह से जो केमिकल है जिसकी वजह से लाइन आती है वो सही तरीके से उसका मात्रा कंप्लीट नहीं आ रही है। तो इस टेस्ट का जो बेसिस होता है, जो जब भी प्रेगनेंसी होती है बॉडी के अंदर, तो बीटा एससीजी नाम का हार्मोन बढ़ता है खून के अंदर, और जब उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो किडनी से छनकर यूरिन में आने लग जाता है, तब यूरिन में ये टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है, और बीटा एससीजी के लेवल से ही हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। अब कई बार इसका लेवल इतना नहीं बढ़ता कि यूरिन में इतना निकले कि टेस्ट सही तरीके से पॉजिटिव आए। अब वो इतना इसलिए नहीं बढ़ता कि प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, यानी कि यूट्रस के अंदर, या तो यूट्रस के अंदर नहीं है या यूट्रस के अंदर है तो वो सही नहीं है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि प्रेगनेंसी सही जगह है या नहीं, या हेल्दी है या नहीं है? तो इसको पता करने के लिए बीटा एससीजी टेस्ट ब्लड में कराया जाता है। तो ब्लड का टेस्ट कराने से बीटा एससीजी का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है कि 1000 है, 2000 है, 1500 है, कितना है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार तक होता है, और इसके साथ ही एक सोनोग्राफी की जाती है जिससे कि ये कन्फर्म किया जाए कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर लगा या बच्चेदानी के बाहर किसी हिस्से में लगा, यानी कि नलियों में, ओवरी में, या बच्चेदानी के कहीं बाहर और कहीं लगा है। तो सोनोग्राफी से हम लोकेशन कन्फर्म करते हैं, और बीटा एससीजी के टेस्ट से इसका वैल्यू हम लोग क्लियर कर पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल पाता है, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि प्रेगनेंसी का आगे क्या करना है। कई बार हम हफ्ते भर के बाद जब दोबारा टेस्ट कराते हैं तो इसका वैल्यू ठीक आ जाता है और दोनों लाइनें भी सही आ जाती हैं, और जब सोनोग्राफी करते हैं और हमें ये लगता है कि बच्चा बच्चेदानी में ना होके बाहर है, एक्टोपिक है, तो फिर एक्टोपिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे होती है, उसका एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि अब आपको यह है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट एक हफ्ते बाद क्लियर पॉजिटिव आ जाता है, अब आपको प्रेगनेंसी कैरी ऑन करनी है या नहीं करनी है, तो उसके अबॉर्शन या कंटिन्यू करने के लिए भी आप हमारे फर्दर वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आगे प्रेगनेंसी के लिए हमें कैसे कैरी ऑन करना होता है। लेकिन यदि हल्की लाइन आ रही है तो उसको हल्के से बिल्कुल ना लें, उसके लिए सीरियस हो जाएं और उसका पहले जड़ तक पता लगाएं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, एक्टोपिक है या नॉर्मल है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये सारा क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आ जाए तभी उसके बाद ही आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और इसके लिए रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्टोपिक एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है और हल्की लाइन आना एक्टोपिक को इंडिकेट करता है। इसलिए बिल्कुल भी हल्की लाइन को हल्के में ना लें, सीरियसली इस पर विचार करें और जल्दी एक्शन लें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।